एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना, रफेल के गड़बड़ झाले पर अब यही भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की सच्चाई है। आए दिन रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री आए दिन इस देश को भटकाने, रफेल के गड़बड़ झाले पर पर्दा डालने, इस देश के राजस्व को जो नुकसान हुआ है उसको छुपाने आए दिन उनके लिए एक नया कुत्सित प्रयास करते हैं, पर वो जितनी झूठ बोलते हैं उतना ही अपनी झूठ में पकड़े जाते हैं और गुत्थी उलझती जाती है। हम संक्षिप्त में अपनी बात कहें उससे पहले एक आपको छोटा सा वीडियो दिखाना चाहेंगे जो रक्षा मंत्री जी ने कहा था 17 नवंबर 2017 को। वॉल्यूम फुल पे कर दो, दोबारा से शुरू करें। आई नो आई एम नॉट गेटिंग अवे फ्रॉम गिविंग यू स्पेसिफिक नंबर्स, एक्चुअली वी नीड टू डिस्कस द कॉस्ट ऑफ द मनी व्हिच इज बीइंग स्पेंट एंड सो ऑन, बिकॉज़ दोस आर पब्लिक। इस वीडियो की कॉपी भी हम भेज देंगे। रक्षा मंत्रालय के अंदर 17 नवंबर 2017 को एक पत्रकार गोष्ठी कर रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने दो बातें कही। रफेल जहाज की कीमत सार्वजनिक करने में मुझे कोई एतराज नहीं, और दूसरा कहा रफेल जहाज की कीमतें मैं हिदायत देती हूं रक्षा मंत्री को कि वो फौरन सार्वजनिक कर दे। हमारा पहला प्रश्न प्रधानमंत्री मोदी जी से, वित्त मंत्री जेटली जी से और रक्षा मंत्री निर्मला जी से ये है कि आप 36 रफाल लड़ाकू जहाजों की कीमत बताने से क्यों भाग रहे हैं, उसे क्यों छुपा रहे हैं? यह कौन सा रहस्य है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी? राष्ट्रहित में आप रफाल लड़ाकू जहाजों की कीमत क्यों नहीं बता रहे? हमारा दूसरा प्रश्न, 5 फरवरी 2018 को मेरे सहयोगी प्रोफेसर राजीव गौड़ा जी से लिखित जवाब में रक्षा मंत्री जी कहती हैं कि रफेल लड़ाकू जहाजों की कीमत इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि एक गुप्त समझौता हुआ है, जो गुप्त समझौता भी 24 जनवरी को, जिसकी अवधि 2018 को खत्म हो चुकी थी, पर वो कहती हैं कि उस गुप्त समझौते की वजह से मैं कीमत नहीं बता सकती। और 8 फरवरी 2018 को यानी कल देश के वित्त मंत्री कहते हैं कि हम कीमत इसलिए नहीं बता सकते कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ये नहीं है। हमारा प्रश्न बड़ा सीधा है, कीमत बताने से देश के राजस्व को लाभ या हानि का पता चलेगा या राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ेगी? ये क्या रहस्य है? वो कौन सी रहस्यमयी चुप्पी है? वो क्या कारण है? वो कौन सी सीक्रेसी है जिसकी वजह से आप इस देश को ये नहीं बता रहे कि देश का पैसा खर्च कर कितने पैसे में आपने रफेल लड़ाकू जहाज खरीदे हैं? और उससे तीसरा प्रश्न सीधे जुड़ा है, क्या यह सही है कि 12 दिसंबर 2012 को जब कांग्रेस यूपीए की सरकार में अंतर्राष्ट्रीय निविदाएं से, अंतर्राष्ट्रीय टेंडर से रफेल लड़ाकू जहाज खरीदा गया तो उसकी कीमत आई थी 526 करोड़ रुपए या 80.95 मिलियन डॉलर, क्या लगभग 81 मिलियन डॉलर? और आपने, मोदी सरकार ने जब रफेल, वही रफेल लड़ाकू जहाज उसी कंपनी से खरीदा तो उसकी कीमत आई यूएस अमेरिकी डॉलर 241 मिलियन या 1570 करोड़। और नवंबर 2017 में उसी कंपनी ने वही लड़ाकू जहाज रफेल जब कतर नाम के देश को बेचा तो वहां कीमत आई 694 करोड़। तो क्या यह कारण है कि आप कीमत नहीं बता रहे?
क्या आपने लड़ाकू जहाज को जो कांग्रेस खरीद रही थी मात्र और मात्र 526 करोड़ में आपने 300% अधिक कीमत पर खरीद लिया, और नवंबर 2017 में यानी आपके खरीद के एक साल बाद जो कतर मुल्क ने मात्र 694 करोड़ में खरीदा क्या आपने उससे भी तिगनी या दुगनी कीमत पर खरीद लिया? क्या यह कारण है क्योंकि राजस्व को पब्लिक एक्सचेकर को हानि हुई है इसलिए अब आप घबरा कर आप सब चीजों पर राष्ट्रीय सुरक्षा का पर्दा डाल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने जहाज में क्या इक्विपमेंट लगा है, कितनी दूर की मिसाइल लगी है, कौन सी बंदूक लगी है ये नहीं पूछा। वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो सकता है पर जहाज की कीमत राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं, ये राजस्व की हानि का मामला है। इट इज ए मैटर ऑफ लॉस टू पब्लिक एक्सचेकर। हमारा चौथा सवाल, कल वित्त मंत्री जी जो पूर्व रक्षा मंत्री जी भी हैं उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा भाषण संसद में दे डाला, पर क्या वो देश को बताएंगे कि हिंदुस्तान की वायुसेना ने दो जहाज उनके काबिल पाए थे, एक रफेल लड़ाकू जहाज था, दूसरा यूरो फाइटर टाइफून था। रफेल क्योंकि कम कीमत पर मिल रहा था इसलिए कांग्रेस ने कम कीमत वाले जहाज को फाइनल किया था, पर जब कांग्रेस की सरकार गई और जब रक्षा मंत्री अरुण जेटली जी थे तो दूसरी लड़ाकू जहाज कंपनी यूरो फाइटर टाइफून ने 4 जुलाई 2014 को अरुण जेटली जी को चिट्ठी लिखकर यह कहा कि वो 20% कीमत कम करने को तैयार हैं और नेगोशिएट करने को तैयार हैं। अरुण जेटली जी ने राष्ट्रहित में उस चिट्ठी को कूड़ेदान में क्यों डाल दिया? मोदी जी ने उस चिट्ठी का संज्ञान क्यों नहीं लिया? जब आप दूसरी कंपनी से जहाज खरीद रहे थे नए सिरे से तो क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी? दोनों कंपनी जो भारतीय वायुसेना को मंजूर थी उन्हें बुलाते और कहते इंटर गवर्नमेंटल रूट से आप फ्रेश बिडिंग करो, जो सबसे सस्ता जहाज देगा हम उनसे खरीदेंगे, उससे सरकार को भी फायदा होता देश को फायदा होता। तो अरुण जेटली जी ने यह राष्ट्रहित के विरोध में काम क्यों किया? मोदी जी ने यह राष्ट्रहित के विरोध में काम क्यों किया? दोनों कंपनियों से जिनके जहाज भारतीय वायुसेना को मंजूर थे दोनों कंपनियों की फाइनेंशियल बिडिंग क्यों नहीं करवाई और सबसे सस्ता जहाज क्यों नहीं खरीदा? आपका क्या कारण था? आप किसको प्रोटेक्ट कर रहे थे? क्या गड़बड़ झाला कर रहे थे? और हमारा पांचवा सवाल यह है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की पूर्व अनुमति क्यों नहीं ली? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर जो अनिवार्य है उसका घोर उल्लंघन क्यों किया? जब देश का प्रधानमंत्री कानून का की धजियां उड़ाएगा, जब देश का प्रधानमंत्री बिडिंग और ट्रांसपेरेंसी के प्रोसीजर को वायलेट करेगा तो कानून की अनुपालना कौन करेगा? और इस पूरे मामले पर 2 घंटा मोदी जी बोले, 1 घंटा वित्त मंत्री बोले, ना वित्त मंत्री जी ने एक शब्द कहा ना प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा। उन्होंने इसकी अवहेलना क्यों की? कानून का उल्लंघन क्यों किया? और क्या प्रधानमंत्री को कानून का उल्लंघन कर देश का लाखों करोड़ रुपया खर्च करने का अधिकार है? ये एक मूलभूत प्रश्न है। और हमारा आखिरी सवाल उनसे है कि इस देश में लड़ाकू जहाज बनाने वाली एक ही कंपनी है और वो है सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। मोदी जी, आपने सरकारी कंपनी जो मेक इन इंडिया करने वाली थी HAL, उसका 30,000 करोड़ रुपए का ठेका खारिज करवाकर एक निजी कंपनी को क्यों दिलवा दिया? इसके बावजूद कि फ्रांस की रफेल कंपनी और हिंदुस्तान की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 13 मार्च 2014 को इस 30,000 करोड़ का काम करने का अनुबंध भी हो चुका था, वो एक वर्क शेयर एग्रीमेंट कैंसिल करवा 30,000 करोड़ का काम प्राइवेट कंपनी को क्यों दिलवाया? इसमें आपकी क्या मंशा थी? तो पूरी रफेल डील, जैसा मेरे मित्र बताएंगे अभी राजीव जी संक्षिप्त में, पूरी रफेल डील संदेह और संशय के घेरे में है। गड़बड़ झाला और
और घोटाला, उसकी बू इसमें से साफ साफ आ रही है और सरकार एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रही है। वित्त मंत्री अलग भाषा में बोलते हैं, रक्षा मंत्री अलग भाषा में बोलते हैं और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हैं। क्या कारण है कि देश के राजस्व को क्या नुकसान हुआ, और अगर हुआ तो क्या इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी जिम्मेवार नहीं? इन सवालों का जवाब जब तक मोदी जी नहीं देंगे, कांग्रेस और देश ये सवालों का जवाब मांगता रहेगा। मैं संक्षिप्त में अंग्रेजी में मेरे साथी राजीव गौड़ा जी, जिन्होंने ये सवाल संसद में उठाया था, वो आपको अपनी बात कहेंगे। कितने का घोटाला है ये? इसकी पूरी जांच जिस दिन होगी उस दिन परतें इसकी खुलेंगी सारी, जो होगी एक साल बचा। गुड आफ्टरनून। What we are witnessing right now is a massive cover-up. The government is going to great extent to hide its nefarious dealings and trying to use the garb and the cloak of national security and secrecy clauses to hide from the people of India, to hide from Parliament, the true cost of the Rafale jets that have been purchased. These jets have been purchased by the Prime Minister himself, violating both defense procurement procedures as well as the procedure involved in ensuring that the Cabinet Committee on Security actually clears purchases before they are made. There was no grounds for the Prime Minister to violate these two procedures, which are in the interests of the nation and its resources. In the last couple of days, we have had the Prime Minister speak for more than 2 hours in both houses. We have had the Finance Minister speak for more than an hour. But neither of them have addressed head-on this central issue of what is the price that this government has paid for the consignment of 36 Rafale jets that they have purchased from France on a very, very quick deal signed by Prime Minister Modi, without due procedures being followed. When the Defense Minister, Srimati Nirmala Sitharaman, was questioned about this, she, in a press conference, assured the people, assured the media, that this information would be provided. She asked the Defense Secretary, who was present there, to initiate the process of providing the details on the price to media and to everyone else concerned. However, in a question that I asked, and for which I got a written reply this week, essentially, we had a response from the Defense Minister, Srimati Nirmala Sitharaman, saying that this information on the price cannot be revealed because of a secrecy clause. Now, if you look at previous examples, you have the Defense Minister herself saying that that the price would be revealed. But now she has changed her tune. What is she trying to hide? Why hide under the cloak of secrecy when this was not relevant earlier? We have other questions too. When you have a country like Qatar buying Rafale jets from France, they are able to obtain a price which is approximately one-third to one-half of the price which we think that the government has actually spent on this new Rafale jet deal. This new Rafale jet deal struck by the Modi government has been struck again at a price which appears to be 3 times the price which the UPA government had negotiated and which was slated for unrolling and for final for sealing just before Prime Minister Modi cancelled the deal. If you also look at other aspects of this very, very suspicious set of circumstances, there is one other that stands out in terms of the damage that it does to the concept of Make in India, to the health of our public sector undertakings. In my city of Bengaluru, we have Hindustan Aeronautics Limited. This public sector undertaking has significant historical experience in building fighter jets and was the appropriate partner to have been chosen by France and Dassault for the offsets contracts worth 30,000 crores. If these offset contracts had been given to HAL, it would have been extraordinarily beneficial to our defense readiness. Instead of
this contract being given to a new company, which we have not seen any track record of in terms of defense production. Well, why did this government ensure that the HAL contract somehow got cancelled, even when it was in an advanced stage, when Dassault's chairman himself had said that HAL was the partner that they had lined up and were ready to sign on the dotted line? There are other issues. One, of course, is the issue which the finance minister also has to answer, and he was previously defense minister during much of this time. Before this deal was cancelled, the other L2 competitor, Eurofighter, the Eurofighter Typhoon, wrote to the defense minister, Mr. Arun Jaitley, and said that they were willing to renegotiate the price, drop it by 20%, and then the duty of any finance minister, of any defense minister, if they are concerned about the state of our treasury and our national resources, it is their duty to ensure that there is a rebidding that takes place, that this new offer from a technically qualified competitor is also taken into account. Instead, no action is taken by Mr. Jaitley, and what we have is a cloud of suspicion that has arisen as a result of all these chain of events that we are seeing. Now, that cloud of suspicion is being covered up. We are going to see a massive cover-up. We want answers. Parliament has been demanding answers. Instead, it was adjourned early today, the Lok Sabha. We will meet in the Rajya Sabha this afternoon. And while Parliament is on, when the finance minister has to respond to the budget discussions, the debate that has taken place, we would urge him to come clean. Explain to the people of India what he is doing with the nation's resources. Explain to us, give us the answers to the questions that Sri Randeep Surjewala, Sri Pramod Tiwari and myself are raising here today. And we want those answers. The nation is eagerly awaiting the response of the defense minister, the finance minister and the prime minister on what made them violate all procedures and go ahead with a deal that is harmful to our treasury and our finances, and which they are now trying to hide behind the argument of national security and secrecy. We are not asking for anything that would compromise national security. We are not asking for weapon system details. We are not asking for payload details. We are essentially asking only for the price. Price, please tell us, why are you hiding that price? That is what we demand to know. I think if you see us repeated statements based on the information in public domain, we have categorically said that the information in public domain reflects that India, that is Modi government, bought this aircraft, 36 aircraft, without transfer of technology at a renegotiated price of 241 million, which comes to 1,570 crore. As against this, the Qatar has bought it, which is also available in public domain, at 108 million, which comes to 694 crore. How can there be a 100% difference in the price of the same aircraft bought by two countries? More so, when according to us, and we've said that's information in public domain again, when UPA had opened the bid, the L1 financial bid based on public domain information was hardly $81 million. So why are you buying it at twice or thrice the price, for it causes loss to public exchequer? And that is in national interest. Dekhiye, सरकार को आगे आकर ये बताना चाहिए, लड़ाकू जहाज जब आप खरीदते हैं, जो सार्वजनिक पटल पर आज तक सूचना है, और जो कतर ने जहाज लड़ाकू जहाज खरीदा है, जो सार्वजनिक पटल पर उसकी सूचना है, पब्लिक डोमेन इनफॉरमेशन के आधार पर, उन्होंने लगभग 108 मिलियन डॉलर या 695 करोड़ रुपया में खरीदा है। कांग्रेस की सरकार के समय जो बिडिंग खुली थी अंतर्राष्ट्रीय, पब्लिक डोमेन इंफॉर्मेशन के मुताबिक 12 दिसंबर 2012 को ये 81 मिलियन डॉलर
प्रति एयरक्राफ्ट या 526 करोड़ था, और मोदी सरकार उसी लड़ाकू जहाज को 241 मिलियन डॉलर या 1570 करोड़ में खरीद रही है। तो अब ये सरकार की जवाबदेही और जिम्मेवारी है। जब सरकार जवाब देने से कतराती है, जब एक झूठ पकड़े जाने के डर से 100 झूठ बोलती है, तो संशय और संदेह स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। रफाल की डील गड़बड़ झाले से उलझी हुई है और इसमें राजस्व को हानि हुई, ये प्रथम दृष्टि से दिखता है। हानि किसकी वजह से हुई? एक ही व्यक्ति गए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी। हानि क्यों हुई, इसका जवाब देश मांग रहा है। एक तो ये है कि आप लोगों ने भी कई मौके ऐसे आए जब आप लोगों ने भी पार्लियामेंट में फ्लोर में मिनिस्टर ने नहीं दिया सवाल का जवाब, और राष्ट्रहित का और सुरक्षा का आप लोगों ने। और दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी क्या इस पर बयान देंगे? कब से बात चल रही है और एक सस्पेंस है, क्या वो बोलेंगे इस पर, अपनी बात उठाएंगे? वो पहले आपके दूसरे प्रश्न का जवाब दूं, फिर पहले का देता हूं। कल जब वित्त मंत्री जी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी का नाम लेकर चर्चा की, तो राहुल गांधी जी ने संसद की कार्यवाही और कानून के अनुरूप माननीय स्पीकर महोदया से इजाजत मांगी कि वो उठकर इस पर जवाब भी देना चाहेंगे और अपनी बात रखना चाहेंगे। दुर्भाग्य से, और आप प्रोसीडिंग निकलवा कर देख सकते हैं, स्पीकर महोदया ने ना वो इजाजत दी, ना वो मेंबर के अधिकार को इस्तेमाल करने दिया, उल्टा जो लोकसभा की कार्रवाई है उस समय एडजर्न कर दी गई। अब पहला सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा में, जैसा मेरे सहयोगी आदरणीय तिवाड़ी जी और प्रोफेसर राजीव गौवड़ा भी कह रहे थे, आप जहाज का पेलोड मत बताइए, वो संभव है, उसकी मिसाइल की कितनी मार करेगी और किस प्रकार की है वो ना बताइए, ये सही है राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में। उसमें किस प्रकार की गन लगी है और उनकी क्या रेंजेस है ये ना बताइए, ये सही है, पर कीमत तो राष्ट्रहित में बताना अनिवार्य है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, एक बार नहीं अनेकों बार जब भारतीय जनता पार्टी या दूसरे सांसदों ने ये प्रश्न पूछा, तो देश के पूर्व रक्षा मंत्री जो संसद के अंदर मौजूद थे, उन्होंने एक नहीं चार बार अलग अलग जहाजों की कीमतों को बताया है। सुखोई जहाज की कीमत को संसद के पटल पर बताया गया, आप चेक करिए रिकॉर्ड संसद का निकाल कर। मिराज जहाज की कीमत को, जो फ्रांस से खरीदे थे, उनको संसद के पटल पर बताया गया। जब मिराज की अपग्रेडेशन की कीमत पूछी गई, जो ओरिजिनल लागत से भी ज्यादा थी, तो उसे भी संसद के पटल पर रखा गया। कावेरी इंजन जो हमारे एलसीए के अंदर इस्तेमाल होता है, उसके पूरे प्रोजेक्ट की लागत के बारे में, जहाज के इंजन की कीमत के बारे में पूछा गया, उसे संसद के पटल पर रखा गया। रशिया से जो एयरक्राफ्ट कैरियर हमने खरीदा था, एडमिरल गोर्शकोव, उसकी कीमत और उसकी अपग्रेडेशन की कीमत, उन्हें संसद के पटल पर रखा गया। इसलिए वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री गुमराह ना करें। और यहां तो मैंने आपके सामने वित्त मंत्री जी की 17 नवंबर 2017 की पत्रकार गोष्ठी का वीडियो चलाया, जो हम आपको भेज रहे हैं। रक्षा मंत्री स्वयं कह रही हैं, मुझे कोई एतराज नहीं कीमत बताने में, ये राष्ट्रहित में है। रक्षा मंत्री ये कह रही हैं कि ये लोगों का पैसा है और इसलिए जनता का पैसा कितना खर्च होगा मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं। रक्षा मंत्री कह रही हैं कि मैं रक्षा सचिव को हिदायत देती हूं कि वो कीमतें बता दें, फिर बाद में कहां से इंस्ट्रक्शन आती है निर्मला सीतारमन जी को? वो एक ही व्यक्ति से आती है, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि सब कुछ बदल जाता है और सब कुछ फिर सीक्रेसी के अंदर रफा दफा कर दिया जाता है। इसलिए देश ये तो जानना चाहेगा क्या कारण है कि रक्षा मंत्री ने अपना बयान बदल लिया, वित्त मंत्री ने अपना बयान बदल लिया, सरकार जो है वो पूरे मामले पर पर्दा डालने का षड्यंत्र कर रही है। सर, आपका आपका ये कहना है कि इस पूरे डील में घोटाला हुआ है कि सिर्फ राजस्व की हानि हुई? राजस्व की हानि और घोटाला और गड़बड़ झाला एक ही चीज के दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। मैंने ये कहा पहले दिन से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देश के लोग और भिन्न भिन्न विपक्षी पार्टियां कह रही हैं, जिस प्रकार से
रफेल लड़ाकू जहाज की खरीद फरोख्त में कीमतों की बढ़ोतरी की बात और सार्वजनिक जानकारी सामने आई है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी अनिवार्य कानूनों का घोर उल्लंघन किया, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की परमिशन नहीं ली लड़ाकू जहाज खरीदने से पहले, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को वायलेट किया, जिस प्रकार से दो दिन पहले तक विदेश सचिव ये बयान देते हैं कि रफेल डील के बारे में कोई चर्चा नहीं वो करने वाले, और दो दिन बाद वही लड़ाकू जहाज प्रधानमंत्री खरीद लेते हैं, जिस प्रकार से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो सरकार की पीएसयू है उससे 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट छीनकर एक प्रधानमंत्री जी के मित्र कंपनी को मिल जाता है, इन सारी बातों से साफ है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला भी है और घोटाला भी है, इसलिए उसकी परतें खुल रही हैं। आई थिंक वी सेड इट कैटेगोरिकली, इंडियन आर्मी एंड आर्मी ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स हैव मेंटेन्ड दैट दे हैव ए व्यू कॉन्ट्रेरी टू व्हाट द पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट इन कश्मीर हैज। व्हेन बोथ साइड्स हैव ए व्यू इन ऑल सच केसेस नॉर्मली ए क्रॉस एफआईआर इज लॉज्ड एंड द मैटर इज इन्वेस्टिगेटेड, for without that justice will not be done. Major Aditya and the Indian Army has a certain opinion of what they were trying to defend. Why should that opinion be also not investigated is a simple question. For BJP has a classical habit of double speak. They speak in the language of separatists in Kashmir Valley and they speak in a totally different belligerent language in Delhi. It's time that the matter is properly investigated by BJP PDP government by also taking into account the complaint lodged by the Indian Army. I have never heard of such an individual. He must be a BJP stooge, for BJP has multiple such stooges whom they utilize sometimes to intervene in our election process and sometimes to falsely claim that they are affiliated to Congress party. So I think instead of speaking about nondescript individuals who are only seeking publicity and some prime time on television, we should concentrate upon more serious fundamental issues. Ek sawal ye hai ki Uttar Pradesh mein chunav hone wale hain, Bihar mein bhi hone wale hain, kya jis pattern pe aapne Uttar Pradesh ka Vidhan Sabha chunav lada tha usi form mein aap fir ladenge? Dekhiye har chunav, abhi Uttar Pradesh mein jo chunav honge, jab Lok Sabha ke chunav honge, to Congress party pehle bhi sab seaton par chunav ladti aayi hai. Jahan tak aapka ishara jo mujhe samajh mein aaya wo किसी गठबंधन की ओर है। देखिए, गठबंधन का निर्णय पार्टी चुनाव के समय किससे गठबंधन होगा या नहीं होगा, आज ये सवाल प्रासंगिक नहीं। आज कांग्रेस सभी संसदीय और विधानसभा सीटों पर कार्य कर रही है, जब कोई ऐसा निर्णय होगा एंटनी कमेटी बाकायदा इस पर निर्णय लेती है। जब तक ये मामला वहां नहीं जाए तब तक उस पर कुछ कहना अनुचित होगा। आई थिंक इट्स ए प्री मेच्योर क्वेश्चन। थैंक यू। आज सवाल में शाह जी ने कहा है कि राहुल जी इस राफेल इशू को राजनीतिक फायदे के लिए उठा। फायदे और नुकसान का सबसे बड़ा पारखी तो स्वयं सम्मानित अमित शाह जी हैं। तभी तो 50 लाख को 80 करोड़ बनाने की विधि जानते हैं जबकि बेरोजगार नौजवान पकोड़े तलते हैं। तो मुझे लगता है कि वो 50,000 को 80 करोड़ की का फायदे की विधि अगर सम्मानित अमित शाह जी इस देश के दर दर की ठोकरें खाने वाले बेरोजगार नौजवानों को भी बता दें तो देश की बेरोजगारी का हल हो जाएगा। इसके साथ ही राम मंदिर मुद्दे